उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव वन तथा अनीता देसाई प्रोफेसर एवं हेड न्यूरो वायरोलॉजी निमहंस बेंगलोर के साथ एम्स 100 बेड वार्ड RMRC का निरीक्षण किया। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उसके बाद मुख्य सचिव ने एम्स व जिले के अधिकारियों के साथ एम्स के सभागार में बैठक की। एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर द्वारा मुख्य सचिव को एम्स के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि एम्स में 15 प्रकार के समान OPD हैं। अभी तक 8,56,820 मरीज का इलाज किया जा चुका है। साथ ही 300 बेड का IPD संचालित है एवं 450 बेड का वार्ड शीघ्र संचालित हो जाएगा। इसके साथ ही एम्स में इलाज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसमें मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा एम्स लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए भी कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, CO कैन श्याम देवबिंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। डॉक्टर शिखा हैं सर, हमारी प्रोफेसर हेड की गाइडलाइन बता रही है। सुपर स्पेशलिटी बच्चे हैं सर, हमारा मेडिसिन चालू है और पल्मोनरी मेडिसिन भी चालू है। यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ दैट? यस यस सर, यस। ये सर सेकंड फेज में मिलते हैं हमको, जो पोस्ट सैंक्शन होती है सर, वो अभी हमारे को नहीं चाहिए। बट पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है, पोस्ट सैंक्शन अभी हो गए सर, उसके बाद होपफुली वी विल कीप द इंटरव्यूज। तो यहाँ पे नॉर्मली जो फैकल्टी आपकी आती है वही UP वाले लोग आते हैं, बाहर वाले नहीं? नहीं सर, ऑल ओवर से आते हैं। यस सर, हैं साउथ के भी हैं, दिल्ली के भी। यस सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। आप इधर आते हैं सर, आते हैं सर। NM है, कम्युनिटी पब्लिक पब्लिक कम्युनिटी मेडिसिन जी यस। कई लोगों को प्रोफेसर लोग आदत होती है। नहीं सर, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। एक तो हम सबसे पहले तो सर को वेलकम किया था हमने, उसके बाद प्रेजेंटेशन की हमने अपने इंस्टीट्यूट की। और सर बेसिकली जानना चाहते थे कि हम लोगों के यहाँ से जो है क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। और वो बहुत खुश हुए कि 3 साल के अंदर एम्स ने जितनी प्रगति की है। वो कह रहे थे कि हम ये सोच के नहीं आए थे कि इतना ज़्यादा मतलब अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो आपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और साथ ही साथ हम लोग हमारी लैब सर्विसेज भी जैसे शुरू हो गई हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर आगे जो एक्यूट एनकेफेलाइटिस के केसेस आते हैं तो उनको लैब डायग्नोसिस करने में हम लोगों को एम्स की मदद भी लगेगी, BRD की मदद लगेगी। तो ऐसे समय पे जिस समय जून, आपको पता होगा कि मई जून के बाद जो है डेंगी और ये सारे जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये बढ़ जाती हैं, तो वो संचारी रोग नियंत्रण के परिपेक्ष में क्या क्या तैयारियां हुई हैं हमारी और कैसे कैसे करके हम आगे काम करेंगे। तो हमने उनको बताया, जैसे हमारी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज पूरी चल रही हैं, जिसमें जैपनीज एनकेफेलाइटिस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन दे ही रहे हैं। साथ ही साथ हम कम्युनिटी में जाकर के कम्युनिटी के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो भी हमने उनको जिससे उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि बच्चे जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कम्युनिटी में वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है लैब सर्विसेज हमारी पूरी हो गई हैं, 300 बेडेड फंक्शनल हो गए हैं और 450 हम लोग और ऐड कर लेंगे। मैं क्या हमें नेक्स्ट मंथ में हमारा सारा का सारा जो है तैयारी पूरी हो जानी चाहिए।
कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ईस्ट विंग का, तो एक बार हमारे को ये हैंडओवर हो जाएगी तो हम लोग अपनी सारी जो आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं और ये भी करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ जैसे आप जानते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू है, तो जैसे ही हमारे और फैकल्टी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमको आने वाले समय में जो है जितना हमारे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं समाज को, लोगों को सहायता प्रोवाइड करने में बीमारियों से रिलेटेड, वो हम पूरी तरह से दे पाएंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। लेकिन हमको बहुत खुशी इसलिए हुई है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश होके गए हैं और उन्होंने कहा, हमने प्रेजेंटेशन पूरे उनको हॉस्पिटल की भी दिखाई और अपने यहाँ की भी, कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से हमारी तैयारी है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान ना करे ऐसी हमारी कंडीशन आए गोरखपुर में कि ऐसे केसेस आए, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने काफ़ी हद तक ज़बरदस्त कंट्रोल किया है एक्यूट एनकेफेलाइटिस को और जैपनीज एनकेफेलाइटिस को। तो अगर आ भी जाते हैं, ये एक प्रिवेंशन के तौर पे है कि हम लोगों की तैयारी है कि नहीं, तो हमने उनको यही बताया कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं और तैयार हैं। और साथ ही साथ जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसके वो भी तैयार है। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि हमारे यूपी के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनकी हैंड होल्डिंग करिए और मेंटरिंग करिए, तो आप जो है उनको गाइड करिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ही बड़ी बात उन्होंने हमारे लिए बोली और हमको अच्छा लगा कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि हम बाकी मेडिकल कॉलेजेस को गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, और आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है इसमें। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि अगर आपको हम लोग कुछ कॉलम दें या कोई हमारे यहाँ से डॉक्टर आए जो जैपनीज एनकेफेलाइटिस के बारे में कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 लाइन के लिए, अगर उनका ये कहना था कि एम्स के डॉक्टरों को बोलना चाहिए इसके बारे में, तो हम आपको अपने डॉक्टर्स के नाम की लिस्ट दे सकते हैं जो हफ्ते में या 10 दिन में जब भी आपको ठीक लगे वो 2-2 लाइनें आपको बोलें, जिसे आप समाज में या अपने आसपास के एरियाज़ में उसको शेयर कर सकें, जिससे रोकथाम हो जाएगी इस बीमारी की।